कमलनाथ ने बजट को जुमलों पर पर्दा डालने वाला तो शिवराज ने गरीब के कल्याण वाला बताया। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को गरीब के कल्याण वाला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे जुमलों पर पर्दा डालने वाला कहा है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका केंद्रीय बजट पर भी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये बजट प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत को पूरा करने वाला है। ये एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, वित्त मंत्री का बजट भाजपा सरकार के पुराने वादों पर जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगे जो 2022 में पूरी होनी थी। केंद्रीय बजट में कैसे हैं जनमत? शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये बजट सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। ये गरीब कल्याण का बजट है, ये किसानों के उत्थान का बजट है, ये माताओं, बहनों और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है, ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। कमलनाथ ने कहा, 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी, हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था, देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे ना होने की ना तो कोई वजह बताई और ना ही देश की जनता से माफी मांगी। स्पष्ट है कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगी जो 2022 में पूरी होनी थी। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी, 2022 में हर गरीब को आवास उपलब्ध होना था, 2022 में देश में बुलेट ट्रेन चलनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे ना होने की ना तो कोई वजह बताई और ना ही देश की जनता से माफी मांगी। कमलनाथ ने कहा कि स्पष्ट है कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी बधाई। वीडी शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया बजट सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण का परिचायक है। देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के आधार के साथ ही गरीब, महिला, युवा, मजदूर, किसान, व्यापारी समेत हर वर्ग के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की दृष्टि से बजट सर्वसमावेशी होने के साथ ही देश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। बजट की तारीफ करते नजर आए सीएम शिवराज, बोले, लोगों के हाथ में अब ज्यादा पैसा। एक ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि अमृतकाल में आयकर दरों में बहुप्रतीक्षित बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करता हूं। ये सही अर्थों में जनभावनाओं का सम्मान कर नागरिकों व राष्ट्र के हित में फैसले लेने वाली सरकार है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का यह पहला बजट है। बजट में हमारी सरकार ने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। हमारी कोशिश युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।